नमस्कार साथियों, मैं प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रवर्तन वॉइस। लोकसभा चुनाव का विगुल बज चुका है और लगभग सभी पार्टियों ने अपने खिलाड़ियों को यानी कि अपने उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र का उभरता हुआ पक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसकी ताकत बढ़ती जा रही है दिनों दिन महाराष्ट्र में, उसने महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप कर दिया है। जी हां, वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप कर दिया है। वो ऐसे कि पहले टप्पे में उन्होंने 9 उम्मीदवारों की सूची जाहिर की थी कि ये 9 लोग लोकसभा लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे टप्पे में 11 लोगों की यादी जाहिर की, 11 लोगों की जो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद कल उनकी तीसरी यादी और सामने आई, जिसमें 5 उम्मीदवार उनके चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर पहले के 9, 11 और 5, 20 और वो 5, 25, 25 जगहों पे वंचित बहुजन आघाड़ी चुनाव लड़ रही है। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस को 5 जगह समर्थन देने की घोषणा की थी। उनसे पूछा भी गया था कि वो 7 जगह बताइए जिस पे आपको समर्थन चाहिए, लेकिन अभी तक वो 7 जगह कांग्रेस ने बताई नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नागपुर में विकास ठाकरे तथा कोल्हापुर के शाहू महाराज को, ये 2 जो उम्मीदवार है कांग्रेस, इन दोनों को समर्थन दिया है। उसी प्रकार बारामती में सुप्रिया सुड़े, एनसीपी राष्ट्रवादी की उम्मीदवार सुप्रिया सुड़े जी को भी समर्थन दिया है वंचित के तरफ से। बता दें कि बामसे ने भी समर्थन दिया है उन्हें। वामन मेश्राम जी ने खुद अपने फेसबुक पेज से सुप्रिया सुड़े जी और वर्तमान शाहू महाराज को समर्थन दिया है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने राजनीतिक भूकंप कर दिया है और उनके उम्मीदवारों से लगभग एक तरफ एनडीए लड़ रही है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी लड़ रही है और तीसरी वंचित बहुजन आघाड़ी, यानी तिहेरी फाइट अब हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो ठीक है साथियों, मैं इस वीडियो में केवल इतना ही कहना चाहता था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।